एप्पल ने अपने यूजर्स की जरूरत को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट रोल आउट कर दिया है। इस अपडेट का नाम iOS 17.3 है। इसमें एक खास फीचर है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। ये फीचर काफी चर्चा में रहा है, आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। एप्पल के स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन की मदद से यूजर्स को सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर मिलती है। ये लेयर तब एक्टिवेट होती है जब यूजर्स अपनी फैमिलियर लोकेशन से अलग होता है। मसलन अगर आप डेली ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं तो ये फैमिलियर लोकेशन है। ये फीचर उस समय एक्टिवेट हो जाएगा जब आप फैमिलियर लोकेशन पर नहीं होंगे। इसके बाद मोबाइल में डबल ऑथेंटिकेशन समेत कई नए फीचर एक्टिवेट हो जाएंगे। जरूरी जानकारी या पासवर्ड वगैरह बदलने के लिए डबल ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। अगर आपका स्मार्टफोन कभी चोरी हो जाए तो ये फीचर उस समय काफी यूजफुल साबित होगा। चोरी या गुम होने के बाद कोई भी व्यक्ति इसका पासवर्ड नहीं बदल पाएगा। ये फीचर आईफोन में मौजूद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा। स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन इनेबल होने का दूसरा फायदा ये है कि नई लोकेशन पर बायोमेट्रिक अटेम्प्ट एक बार फेल हो जाता है तो यूजर्स को दूसरा बायोमेट्रिक अटेम्प्ट करीब एक घंटे के बाद मिलेगा। इस फीचर को लाने का मकसद आईफोन को चोरी और गुम होने से बचाना है। एलिजिबल आईफोन में iOS 17.3 ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के बाद यूजर्स इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए यूजर्स को पासकोड सेटिंग्स में जाना होगा। ये फीचर iOS 17.3 या उससे ऊपर के वर्जन में मिलेगा।